हेलो दोस्तों, के पी साइड में आप सबको स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज फिर आप लोग लेकर आने कैंपस प्लस वन का वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं जो कंपनी कैंपस प्लस वन लगाने के लिए जा रही है, जिससे भी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैंपस प्लस वन लगाने के लिए जा रही है दोस्तों, जो बहुत ही बड़ी कंपनी है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जिस सभी का नाम सुने होंगे। ये जो कंपनी है दोस्तों जयपुर राजस्थान में है, तो आप लोग का जॉब लोकेशन भी वहीं पर दिया जाएगा, जयपुर राजस्थान में। आप जानते हैं दोस्तों जयपुर बहुत ही खूबसूरत जगह है, खूबसूरत जगह है। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से जाना जाते हैं, तो पिंक सिटी का शहर भी आप घूम लीजिएगा अगर वहाँ पर आप जाइएगा जॉब करने के लिए। तो यहाँ पर जो सैलरी आपको दिया जा रहा है 18,861 रुपये पर मंथ आपको दिया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छा इसमें सैलरी भी दिया जा रहा है। ITI पास आउट वाले बच्चे इस कैंपस प्लस में भाग ले सकते हैं, चाहे आप NCVT से किए हैं, चाहे SCVT से किए हैं, सरकारी ITI या प्राइवेट ITI से किए हैं, आप इस कैंपस प्लस में भाग ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, इसके अंदर और फैसिलिटी दिया भी जा रहा है, सैलरी भी अच्छा दिया जा रहा है। तो जाइए दोस्तों इस कैंपस में भाग लीजिए। और दोस्तों इसमें क्या चाहिए नीचे सारा कुछ मैं इसका ऑफिसर नोटिफिकेशन का ऊपर डिटेल्स में बताऊँगा कि क्या एज लिमिट रखा गया है, कब कैंपस प्लस में लगाई जा रही है, कहाँ लगाई जा रही है, सारा कुछ मैं बताऊँगा इसका ऑफिसर नोटिफिकेशन चल के। तो आप लोग शुरू से तो इस वीडियो बना रहे दोस्तों, तभी आप लोग समझ में आएगा। और उससे पहले दोस्तों अगर मैं चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन करके रखिए, ताकि ऑल इंडिया कैंपस प्लस उनकी जानकारी जाती है, 800 जितनी भी जानकारी होती है सारी जानकारी चैनल पर आप लोगों को दी जाती है। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं जैसे भी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिसर नोटिफिकेशन पे। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग जैसे भी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिसर नोटिफिकेशन पा चुके दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी नाम दिया गया जैसे भी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। जो आप लोग का जॉब लोकेशन रहने वाला है वो जयपुर राजस्थान में आप लोग का जॉब लोकेशन दिया जाएगा, जो जयपुर बहुत ही खूबसूरत जगह है, सुंदर जगह है दोस्तों। क्वालिफिकेशन जो इसमें लिया जा रहा है ITI पास आउट वाले बच्चे को लिया जा रहा है, जो ट्रेड दिया गया ITI पास आउट वाले बच्चे के लिए इलेक्ट्रीशियन, फीटर, ओल्डर, मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, टर्नर, मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, RAC, इंस्टीट्यूट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। और जो पास आउट यहाँ पे दिया गया है वो 2017-20, जो 2017-18-19-20 में पास किए हैं वही केवल इसका 5% भाग ले सकते हैं, अदर वाले बच्चे नहीं भाग ले सकते हैं। और जो जो ट्रेड दिया गया है वही ट्रेड के बच्चे इस कैंपस प्लस में भाग ले सकते हैं, अंदर वाले बच्चे नहीं ले सकते। तो आप लोग अपना अपना ट्रेड देख लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा कैंपस प्लस में। जो एज लिमिट यहाँ पे दिया गया 18-25 ईयर्स दिया गया है, जिनका एज 18 से 25 वर्ष तक है वो इस कैंपस प्लस में भाग ले सकते हैं। जो एज लिमिट बहुत ही अच्छा रखा गया है दोस्तों। जो सैलरी एंड बेनिफिट्स की बात कर रहे थे, तो इसमें जो आपको सैलरी दिया जा रहा है बहुत ही अच्छा है, आपको इसमें सैलरी दिया जा रहा है, जो 18,861 रुपये पर मंथ आपको इसमें सैलरी दिया जाएगा, जो बहुत ही अच्छा दिया जा रहा है। ये सब काट कूट के जो आपको ये सैलरी आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो ITI बच्चों के लिए इतना सैलरी बहुत ही ज्यादा सैलरी होता है। जो बेनिफिट्स दिया जाएगा वो एज पर कंपनी के रूल के हिसाब से आपको दिया जाएगा, कैंटीन, बस, PFPSI जो भी होता है, सारा फैसिलिटी और फैसिलिटीज के अंदर आप लोगों को दिया जाएगा। जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, 10th का मार्कशीट, ITI का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिज्यूम, 5 पासपोर्ट साइज कलर वाला फोटो, इन सब का दोस्तों जेरोक्स के साथ में आप लेके जाएगा दोस्तों, ताकि वहाँ पे जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, घर से जेरोक्स करवा के नहीं ले जाते, वहाँ पे जाने के बाद जेरोक्स करवाने के लिए जेरोक्स दुकान ढूंढने लगते हैं, तो उससे परेशानी होता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए सबसे पहले आप जेरोक्स करवा के रखिए, जेरोक्स करवा के लेके जाइए घर से। जो कैंपस प्लस में बैनर रखा गया है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आगरा उत्तर प्रदेश में कैंपस प्लस में लगाई जा रही है दोस्तों, तो आप लोग वहीं पे जाना है। उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे बच्चों का मेरा कमेंट आता है, सर कुछ बताइए सर कैंपस प्लेसमेंट के बारे में, कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। तो आप लोगों के लिए आ चुका है कैंपस प्लेसमेंट के बारे में, आप लोग जाइए इस कैंपस में भाग लीजिए दोस्तों। जैसे कैंपस प्लेसमेंट डेट यहाँ पे दिया गया है, जो 18 फरवरी 2022 टाइम सुबह 9 बजे वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट लगाई जा रही है, सुबह 9 बजे आप लोग वहाँ पे जाना है दोस्तों। इन पे PM लिखा हुआ है लेकिन AM होगा, मिस्टेक हो गया है। और यहाँ पे COVID-19 का गाइडलाइन पालन करना आप लोगों को, सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, पानी का बोतल साथ में आप आवश्यक रूप से लेकर जाइएगा, ताकि वहाँ पे जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। और जाने के बाद वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाए रखेगा और मास्क जरूर पहन कर रहिएगा दोस्तों। तो जय दोस्तों इसके बस भाग लीजिए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय दोस्तों।